हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, और एक नया वीडियो पे आपका स्वागत करता हूँ। और मैं एक चैलेंज लेने वाला हूँ डेली ब्लॉग का। जिनको अगर डेली ब्लॉग पसंद है तो वो इस वीडियो पर बने रहिए, और जिनको नहीं पसंद वो स्किप कर सकता है। बाकी अभी 10:30 हो रहा है और मैं जा रहा हूँ अपने काम पे। मैं कहाँ काम करता हूँ क्या नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो पे, आप बने रहिएगा। अभी तो निकलना पड़ेगा क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, मेरे 10 बजे ही निकलना चाहिए, बट क्या करें, 10:30 ऑलमोस्ट हो गया है। और अभी मैं आपको मिलता हूँ डायरेक्ट बाहर। गाइस, मौसम का तो कुछ बोल नहीं सकते। अभी यहाँ बादल है और इधर देखो तो थोड़ा सा धूप। अब ऐसा मौसम में जाना, अब हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है। बाकी कोई बात नहीं, मेरा बाइक अभी रेडी है, हम निकलते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा सफर तो स्टार्ट हो चुका है और मैं घर से निकल भी चुका हूँ। बाकी बारिश हल्का फुल्का हो तो रहा है, अब देखते हैं वहां तक पहुंच पाता हूँ कि नहीं। रेनकोट तो लिया हूँ साथ में, बट अभी इतना थोड़ा बहुत के लिए कौन ही रेनकोट पहन के जाएगा। थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है, मौसम काफ़ी अच्छा है ड्राइव करने के लिए। और मैं अभी जस्ट अपना लोकेशन में पहुंचने वाला हूँ, और 2 मिनट का रास्ता है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ड्राइव करते हुए, और आप देख पा रहे होंगे पीछे मेरे कितना अच्छा मौसम है और बादल भी है। तो अभी पहुँचते हैं डायरेक्ट मेरे लोकेशन पर। फाइनली गाइस, मेरा सर्विस एरिया पहुँच चुका है, मैं अंदर जाकर आपको दिखाता हूँ। हालांकि अंदर शूटिंग अलाउ तो नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा आपको दिखाने के लिए। तो सबसे पहले लॉक को खोले, क्योंकि सबसे पहला मेन चाबी मेरे पास है जो कि सुबह आके खोलने का रहता है। तो मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। बाइक को भी अंदर डालना बहुत मुश्किल है भाई, काम है। ये बहुत बड़ा काम नहीं है, बट मेरे लिए जो है सही है। हर बड़े काम का शुरुआत जो होता है छोटे से काम से होता है। तो मेरा काम यही है, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं वो तो आपका आगे पता चल ही जाएगा, बट मेरे लिए सही है। काम हर छोटे छोटे स्टेप से लेके हम लोग काम आगे बढ़ाएंगे, और मेरे को थोड़ा टाइम मिल जाएगा आप लोगों के साथ बात करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। बाकी ये जगह कुछ ऐसा है, वीराना सा है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा टाइम के बाद काम चालू हो जाएगा। तो मैं तो अभी जस्ट पहुँचा हूँ, अभी थोड़ा बैठते रेस्ट कर लेते हैं। जो तो मौसम है वो सोच भी नहीं सकते, कभी बारिश हो रहा है कभी धूप हो रहा है। अभी देखिए कितना धूप हो रहा है, धूप तो नहीं बस बादल साफ किया है, और धूप तो तभी हो रहा था मैं आते टाइम। अभी जाते थोड़ा बैठ के रेस्ट कर लेते थोड़ा देर ही, फिर आगे कुछ प्रिपरेशन करेंगे। मैं क्या प्रिपरेशन कर रहा हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बस बने रहिएगा इस वीडियो पे। तो मैं आपको बताने वाला था कि कौन से जॉब के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मैं सेल के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो कि हम लोग का राउरकेला के लिए, या फिर विलेज स्टील प्लांट और बोकर स्टील प्लांट है। बहुत सारे स्टील प्लांट है जिसके लिए सेल का प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। हालांकि ये प्रिपरेशन मुझे बहुत पहले करना था, बट अभी मुझे मौका मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिला है, तो मैं सोचा यहीं पे बैठ के ही अपना पार्ट टाइम जॉब भी कर लेता हूँ, उसके साथ जॉब के लिए प्रिपरेशन भी कर लेता हूँ। तो मैं आपसे मतलब सजेशन लेना चाहता हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप कोई अगर सेल से देख रहे हैं या फिर सेल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो थोड़ा सा मेरे को भी सजेस्ट करो कौन सा टॉपिक को लेके, या फिर कौन सा सिलेबस है जो कि प्रिपेयर करना चाहिए, खास करके इलेक्ट्रिकल के लिए। मैं इलेक्ट्रिकल किया हूँ तो मैं सोच रहा हूँ आप सबसे थोड़ा सजेशन भी ले लूँ। तो आप बताइए कमेंट में कि कौन कौन सा सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है और कौन कौन सा टॉपिक जो है उसको ज़्यादातर देखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, तो मुझे वो चीज़ थोड़ा कमेंट कीजिए। और मैं तो ऐसे तो ऑनलाइन से पढ़ रहा हूँ, अभी यूट्यूब से ही पढ़ रहा हूँ, बाकी ऑनलाइन का सब्सक्रिप्शन लेने वाला हूँ। तो अगर कुछ अच्छा रहा तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा, इसलिए आपको आगे बने रहना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा बहुत चलिए प्रिपरेशन कर लेता हूँ। बाहर तो बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है, देखिए बहुत धूप हो रहा है, तो बाहर जाने का कोई सवाल नहीं बैठता। मैं यहीं पे बैठ के, ये रहा, मैं यहीं पे बैठ के अपना प्रिपरेशन कर लूंगा। तो मेरे साथ आप भी बने रहिएगा और इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से कर दूंगी। तो अभी टाइम हो रहा है हम लोग का 1:30 और मेरे लंच करने का टाइम हो गया है। तो लंच में हम लोग छोटा सा टिफिन है जिसमें चावल लाए हैं और इसमें कुछ सब्जियां हैं और पानी बोतल है, और साथ में एक मोबाइल है जिससे हम यूट्यूब में भी वीडियो देखेंगे। तो देखते हैं आज
इसमें चावल थोड़ा सा ही है, जैसे थोड़ा देख पा रहे थोड़ा और इसमें सब्जी है, चिकन है, अब वो थोड़ा सा चिकन ही है, देखते हैं तो उतना ही थोड़ा चिकन है। अब इसको यहाँ इसके ऊपर ही डाल के खा ले, मेरे पास और कुछ जगह नहीं, तो देखते हैं। मैं लंच एंजॉय करता हूँ, तो आप थोड़ा सा टाइम लग देखिए। सो गाइस, खाना खा के अभी हो चुका है, तो थोड़ा सा टहल लेते हैं आसपास। और अभी टाइम अगर देखे तो हो रहा है 2 बज रहा है, और छाँव तो ऐसा है, थोड़ा बहुत छाँव है, ज़्यादा धूप भी नहीं है। आसमान देखिए, थोड़ा सा बादल वादल तो दिख रहा है, बाकी उतना कुछ खास है नहीं। बाकी शाम को अगर हो सकता है तो बारिश आ सकता है, आ जाए तो बेटर है। हाँ, लगता है कुछ ज़्यादा ही खा लिया हूँ, और वहाँ पे कोई आदमी लोग काम भी कर रहे हैं। ये एक नया अपार्टमेंट बन रहा है, जिसको लेना है ले सकते हैं। बाकी कांटेक्ट मेरे से ना करें, क्योंकि मैं इस अपार्टमेंट का ना मालिक हूँ ना ओनर हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो चला है घर जाने के लिए, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बाकी अभी घर पहुंचते हैं और आपसे विदा लेते हैं आज के लिए इस ब्लॉग पे, तो थैंक यू।